और अब बात करेंगे कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की कैसे फैसले की, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस को राम से दिक्कत है, क्योंकि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने असल में रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण रखने का फैसला किया है, जिसको लेकर छिड़ गया है सियासी संग्राम। बीजेपी पूछ रही है कि क्या वाकई कांग्रेस को आखिरकार राम के नाम से दिक्कत क्यों है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। श्री राम का नाम जोर शोर से उठा था, या यूं कहें कि श्री राम का नाम लोकसभा चुनाव की धुरी बन गई थी। हालांकि इस चुनाव में रामनगरी अयोध्या में इंडी गठबंधन की जीत हुई। कांग्रेस समेत तमाम इंडी गठबंधन ने इस जीत को भुनाया भी और बीजेपी को चढ़ाया भी, लेकिन रामनगरी में मिली जीत के बावजूद कांग्रेस के प्रभु राम के प्रति रवैये में कोई बदलाव नजर नहीं आया है। कांग्रेस अभी भी राम नाम से उतना ही नफरत करती है जितना वो राम को काल्पनिक बताते समय करती थी। और ये सब कुछ हम नहीं कह रहे, बल्कि कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक ने अपने एक फैसले से ये साबित कर दिया है। कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने का फैसला किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला हुआ। कर्नाटक के मंत्री एच के पाटिल ने सिद्धारमैया सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नाम बदलने का फैसला वहां के लोगों की मांग पर किया गया है। राजस्व विभाग इस प्रक्रिया को जल्द शुरू करेगा। अब सवाल यह है कि प्रभु श्री राम के नाम से पहचाने जाने वाले शहर का नाम ही क्यों बदला जा रहा है? आखिर कांग्रेस किसे खुश करने के लिए राम का नाम मिटा रही है? अयोध्या में इंडी की जीत के बावजूद कर्नाटक के रामनगर का नाम कांग्रेस सरकार की तरफ से बदले जाने पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया है। बीजेपी का कहना है कि रामनगर का नाम बदलना कांग्रेस की राम से एलर्जी को दर्शाता है। कांग्रेस पहले भी राम विरोधी थी और अब भी राम विरोधी है। ये हमने देखा है कि पिछले कुछ समय से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को मूल तौर पर प्रभु श्री राम के नाम से ही आपत्ति है। तो कर्नाटक सरकार का ये जो प्रस्ताव है रामनगर जिले का नाम बदल कर बेंगलुरु दक्षिण करना, ये भी वो जो एक नफरत है उनके मन में भगवान राम के प्रति, ये उसी का एक उदाहरण नजर आ रहा है। कांग्रेस का राम विरोधी रवैया पहली बार सामने नहीं आया है। इससे पहले कांग्रेस प्रभु श्री राम को काल्पनिक बता चुकी है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने हाल में ही अयोध्या की जीत को राम मंदिर आंदोलन की हार से जोड़ दिया था। इसके अलावा राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी सनातन विरोधियों से मिलते रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की राजनीति ही सनातन और राम विरोध पर टिकी है? साथ ही सवाल ये भी है कि क्या एक खास वर्ग को खुश करने के लिए जानबूझकर कांग्रेस ने रामनगर का नाम बदला है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अग्निवीर पर विपक्ष के सियासी एजेंडे को मोदी सरकार ने फेल कर दिया है। अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष जो नीति बना रहा था कि कैसे सरकार को घेरा जाए, अब वो नीति फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मोदी सरकार ने दो टूक ये जवाब दे दिया है कि अग्निवीरों के सरकार हित में है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा। क्या कांग्रेस के लिए सियासी एजेंडा देश से बड़ा हो गया है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी को देश की सुरक्षा से कहीं ज्यादा अपनी सियासत की चिंता सता रही है, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी और उनके नेता अग्निवीरों को ढाल बनाकर आरोपों का जाल गढ़ते रहे हैं, जिसे बीजेपी देश की सुरक्षा के लिए खिलवाड़ बता रही है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर लद्दाख के द्रास से पीएम मोदी ने विरोधियों को दो टूक जवाब देकर ये बता दिया है कि अग्निवीर देश की आन बान और शान है। अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी
और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा। प्राइवेट सेक्टर और पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणाएं की है। राहुल गांधी इकलौते नेता नहीं है जिन्होंने अपने सियासी फायदे के लिए अग्निवीरों का अपमान किया। पीएम मोदी को घेरने की कोशिश में तमाम विपक्षी दल अग्निवीरों के कंधे पर बंदूक रखकर इन्हीं का अपमान करते रहे। ये उन नेताओं को जवाब है जो अग्निवीरों की जाबाजी और देशभक्ति पर सवाल उठाने की कोशिश करते रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। अग्निवीरों पर विपक्ष के उठाए तमाम सवालों के बीच केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों ने अग्निवीरों को लेकर अपना इरादा साफ कर दिया है। हरियाणा सरकार के बाद यूपी की योगी सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला ले लिया है। सीएम योगी ने भी साफ साफ ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि उत्तराखंड की धामी सरकार अग्निवीरों को आरक्षण देने के लिए कानून लाने की बात कह रही है। अग्निवीर में जहां युवा भर्ती हो रहे हैं, एक ट्रेंड युवा, और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे, उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। जो हमारे अग्निवीर हैं वो जब भी अपनी अग्निवीर का समय पूरा करके आएंगे उनको सरकारी सेवाओं में भी हम उसका भी प्रावधान कर रहे हैं कि उसमें भी हम आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। विपक्ष जहां अग्निवीर योजना को लेकर सड़क से लेकर संसद तक सवाल खड़े कर रही है, अपनी सियासत चमकाने के लिए अग्निवीरों को ढाल बना रही है, वहीं केंद्र की मोदी सरकार के हाल के फैसलों से अग्निवीरों को लेकर अपनी नीयत साफ कर दी है। यानी मोदी सरकार का एक ही मकसद है और वो है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अग्निवीर योजना से जोड़ना, लेकिन विपक्षी नेताओं को इससे कोई लेना देना नहीं, उन्हें तो सिर्फ अपनी सियासत की फिक्र है। देश की जनता ने ऑलरेडी बता दिया कि अग्निपथ स्कीम क्या है और किस तरह से उनकी 60 से ज़्यादा सीटें घटी, 400 पार की बात करते थे। अभी भी अगर प्रधानमंत्री करेक्टिव मेजर्स लेने को तैयार नहीं है तो भगवान मालिक है उनका। अग्निवीर एक तरफ फ्लॉप योजना तो है ही विद ड्यू रेस्पेक्ट, लेकिन युवाओं के साथ, उनके परिवार के साथ, उनके समाज के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है और दुनिया चाहती है और हमारे विपक्ष और इंडिया ब्लॉक की मान्यता है कि अग्निवीर को स्क्रैप करना होगा। मोदी विरोध में अंधे हो चुके विपक्षी नेता अपनी सियासत चमकाने के लिए बार बार अग्निवीर योजना पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सियासी मंशा को पूरा करने के लिए सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन देश की हिफाजत में तैनात अग्निवीरों को लेकर मोदी की योद्धाओं का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। कांग्रेस नेताओं ने अग्निवीरों पर भ्रम फैलाने की कोशिश की तो बीजेपी नेताओं ने विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज हमारी फौज इतनी ताकतवर हुई, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को उसका पूरा श्रेय जाता है। आज हमारी बिटिया भी फौज की तैयारी कर रही, तो ऐसे कितने बच्चों का मनोबल ये विपक्ष तोड़ रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार जो भी कुछ करे सिर्फ विरोध करना है, विरोध ही इनका लक्ष्य है, विरोध के लिए ये लोग अपोजिशन में आए। ठीक ही कहा प्रधानमंत्री ने, सेना इनके लिए सैल्यूट लेने का केवल एक था। सेना को जब से इन्होंने गालियां ही दी है सेना के शौर्य को। अग्निवीर एक ऐसी योजना है जो देश के युवाओं को एक नए एम्प्लॉयमेंट और नई भारत की ओर ले जाएगा। कुल मिलाकर आत्मनिर्भर और मजबूत भारत की दिशा में अग्निवीर योजना मील का पत्थर साबित हो रहा है।
क्योंकि देश सेवा की भावना रखने वाले युवाओं को फौज में शामिल होने का मौका मिल रहा है। तीनों सेनाओं में युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है और भारत की सैन्य ताकत और जोश में और इजाफा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रिपब्लिक भारत पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नीति पर खंड खंड इंडी गठबंधन।